गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। माई सेल्फ पिंकी टेलर फ्रॉम पोनो किड्स अकेडमी। हम पार्ट्स ऑफ हाउसेज के बारे में स्टडी कर रहे थे। बिफोर क्लास में हमने आपको ये पार्ट्स ऑफ हाउसेज के बारे में बताया था, हाउसेज के पार्ट्स बताए थे। ओके, अब हम नीचे रीड करेंगे रूम्स इन ए हाउस। अब हमारे हाउस में कौन कौन से रूम्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ऑल हाउसेज हैव रूम्स। सभी जो हाउसेज होते हैं उसमें रूम्स होते हैं। सम हाउसेज हैव वन रूम, यानी कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं उसमें केवल एक ही रूम होता है, ठीक है। सम हाउसेज हैव मैनी रूम्स, और कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं जिसमें मैनी रूम्स होते हैं, यानी बहुत सारे रूम होते हैं। तो मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ हाउसेज के बारे में। जो बिग हाउस होता है वो बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, ठीक है। एवरी रूम हैज़ ए डिफरेंट नेम एंड यूज़। एवरी रूम है उसका डिफरेंट नेम होता है और डिफरेंट यूज़ में लिया जाता है। यानी जो जितने भी हमारे रूम्स होते हैं हमारे होम में, हाउस पे जितने भी रूम्स होते हैं उनका डिफरेंट नेम होता है। जैसे बाथरूम है, किचन है, ड्राइंग रूम है और बेडरूम है, ये सब अलग अलग नेम होते हैं उनके, ठीक है। और उनको यूज़ में भी अलग अलग लिया जाता है। इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। वी स्लिप इन द बेडरूम, ये क्या है हमारा बेडरूम, और बेडरूम में हम क्या करते हैं स्लिपिंग, क्या करते हैं स्लिपिंग। तो वी स्लिप इन द बेडरूम, बेडरूम में क्या करते हैं वी स्लिप इन द बेडरूम। ओके, इसके आफ्टर वी टेक ए बाथ इन द बाथरूम। हम बाथरूम, यानी हम बात कहाँ करते हैं बाथरूम में, कहाँ करते हैं बाथिंग बाथरूम में, ये क्या है हमारा बाथरूम। ओके, ये जो सेंटेंस है वी स्लिप इन द बेडरूम एंड वी टेक ए बाथ इन द बाथरूम, ये आपको लर्न भी करने हैं। जब आपका रिविजन असाइनमेंट होएगा तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे जिसके आंसर आपको देने हैं। इसलिए आपको बिफोर में ही इनको लर्न करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप रीडिंग करते हैं आपको लर्न भी करना है। ओके, तो बाथरूम किस यूज़ में लेते हैं, वी टेक ए बाथ, ठीक है, वी टेक ए बाथ, और बेडरूम वी स्लिप इन द बाथरूम। ओके, इसके आफ्टर ये क्या है, ये है हमारा किचन। वी कुक फूड इन द किचन, हम क्या करते हैं किचन में वी कुक फूड, हम खाना बनाते हैं इन द किचन, किचन में खाना बनाते हैं। इसके आफ्टर वी टॉक टू आवर गेस्ट्स इन द ड्राइंग रूम और लिविंग रूम। हम अपने गेस्ट को कहाँ बिठाते हैं, हमारे ड्राइंग रूम में बिठाते हैं और उनसे बात करते हैं। टॉक मीन्स बातें करना। वी टॉक टू आवर गेस्ट्स, हमारे गेस्ट से हम बातचीत करते हैं इन द ड्राइंग रूम और लिविंग रूम। हम इसको ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं और लिविंग रूम भी कह सकते हैं। ओके, ये हमारा ड्राइंग रूम। इसके आफ्टर सम हाउसेज हैव ओपन एरिया कॉल्ड बालकनी एंड टेरेस। कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं जो ओपन एरिया में होते हैं, जिसमें बालकनीज होती हैं और क्या होते हैं टेरेस, यानी छत होती है। ये देखिए, ये जो पिक्चर बनी हुई है ये कैसा हाउस है, इसमें ये क्या है बालकनी, यहाँ भी है, और ये क्या है टेरेस यानी छत। तो ये भी क्या है हमारे हाउस के पार्ट है, क्या है हमारे हाउस के पार्ट है। तो हमने कितने हाउस के पार्ट स्टडी किए हैं, हम यहीं से रीड करेंगे, बालकनी, टेरेस, ड्राइंग रूम, किचन, इधर बाथरूम, बेडरूम। ओके, ये क्या है हमारे हाउस के पार्ट्स हैं। इसके आफ्टर नेक्स्ट लेट्स ट्राई थ्री। दिस इज ए हाउस विथ डिफरेंट रूम्स, ये एक हाउस है, नीचे एक पिक्चर बनी हुई है, इसमें क्या है, ये एक हाउस है। राइट द नेम ऑफ द थिंग्स गिवन ब्लो इन द रूम्स Write them,
सॉरी राइट द नेम ऑफ द थिंग्स गिवन ब्लो इन द रूम्स वेयर दे शुड बी. यू कैन आल्सो ड्रा एंड कलर द पिक्चर. इसमें आपको ये नेम जैसे लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए नीचे पिक्चर दी गई है कि ये जो सोफ़ा है आप कौन से रूम में लगाएंगे, बेड कौन से रूम में लगाएंगे, गैस स्टोव इनमें से कौन से रूम में लगाएंगे, बाथटब कौन से रूम में लगाएंगे. ठीक है, ऐसे आपको फील करना है. ओके, यू कैन आल्सो ड्रा एंड कलर द पिक्चर. आपको इसे कलर और कलर भी करना है, पिक्चर बना के कलर करना है. ओके, तो देखिए ये है आपका, ये एक हाउस बना हुआ है. इसमें ये क्या है, स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ बनी हुई है. ये क्या है, बेडरूम. अभी हमने रीड किया था बेडरूम. और ये क्या है, बाथरूम. ये भी क्या है, स्टेयर्स. लिविंग रूम और किचन. ठीक है, अब हम नीचे पिक्चर देखते हैं. ये है सोफ़ा. सोफ़ा को, सोफ़ा की पिक्चर बनानी है हमें, सोफ़ा की पिक्चर बनानी है. तो हम सोफ़ा की पिक्चर कौन से रूम में बनाएंगे, लिविंग रूम में, किचन में, बाथरूम में या बेडरूम में. लिविंग रूम में किसमें बनाएंगे हम, लिविंग रूम में. तो यहाँ आपको एक सोफ़ा की पिक्चर बनानी है. ओके, जैसे इसमें बनी हुई है वैसे यहाँ आपको छोटी सी बनानी है. इसके बाद में बेड. बेड कहाँ होता है हमारा, कौन से रूम में होता है, बेडरूम में. तो यहाँ बेडरूम में आपको बेड की पिक्चर बनानी है. ओके, इसके आफ्टर ये क्या है, गैस स्टोव. गैस स्टोव को हम क्या कहाँ यूज़ में लेते हैं, कौन से रूम में यूज़ लेते हैं, किचन में. तो हमें यहाँ पे गैस स्टोव की इस तरह से पिक्चर बनानी है. नेक्स्ट है बाथटब. बाथटब का यूज़ हम कौन से रूम में करते हैं, बाथरूम में. ठीक है, कौन से रूम में करते हैं, बाथरूम में. तो हमें यहाँ किसकी पिक्चर बनानी है, बाथटब की. ओके, इस तरह से हमें यहाँ पिक्चर बनानी है. और फिर इसमें क्या करना है, हमें कलर करना है, ब्यूटीफुल कलर करना है. ये पिक्चर आपको इसी में बनानी है, आपकी कोर्स बुक में ही, नोटबुक में नहीं बनानी. ओके, इस आपको यहीं आप कलर करना है, यहीं पे ड्राइंग बनानी है और उसको कलर करना है. ब्यूटीफुल ड्राइंग बनानी है आपको और उसके बाद में कलर करना है. इसको ब्यूटीफुल हाउस बनाना है. आप कितना ब्यूटीफुल बना सकते हो अपने हाउस को, हम देखेंगे. आपकी जब नोटबुक चेक होएंगी और आपकी बुक्स चेक होएंगी तब आप देखेंगे. ओके, तो ये आपको बुक में ही फील करना है. ओके, थैंक यू.